येशु स्वर्ग में लौट जान। जै दिन पिता परमेश्वर येशु ते मुर्दों में बेटी जूंत कर छो, वे का दुई चेला समिण का गांव में जाना चा। चल्दी चल्दी जू येशु का दगड़ी वे छो और वे का बारे में बात करना चा। ऊ ते आशा छे कि ऊ मसीह छ, पर तब भी ऊ मरे गे छो। अब ऊ जनन भी बोल दिन कि ऊ फिर से जूंत हुए गे। ऊ जानदा छा की बात पर विश्वास कन। येशु लू दगड़ ऐ के चलन शुरू करी, पर ऊ वे ते पछाड़ नहीं सकिन। वेल पूछी कि ऊ कै बारे में बात करना छन। ऊ लुए ते पिछले दिनों में येशु का दगड़ी हुई घटना का बारे में बताई। ऊ सोची कि ऊ कै परदेसी का दगड़ी बात करना छन, जो नहीं जानता छा कि यरूशलेम में क्यों वे छो। तब येशु ऊ ते समझाई कि पिता परमेश्वर का वचन मसीह का बारे में क्यों बोल। बहुत पहली भविष्यवक्ताओं बोल छो कि बुरा लोग मसीह ते सताला और मार डालला, पर भविष्यवक्ताओं यू भी बोल छो कि वो तीसरा दिन जूंद हुए जाल। जब वे नगर में पहुंचिन जखु दुई आदिम ठहरण चांद छा, तब तक लगभग रुमक हुए गे छे। ऊ येशु ते अप दगड़ रुकण को बोली। तब ऊ वे दगड़े घर में गए, अपना साम भगत का खाण को ऊ बैठ गिन। येशु एक रोटी ते लेके ऊँकु पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे और फिर वे ते तोड़ी। तब तुरंत ऊ जान लीन कि ऊ येशु छो, पर वे ही भगत ऊ का समण बटी लापता हुए गे। ऊ दुई आदमी लो एक दूसरा बटी बोली ऊ येशु छो। इले जब वेल हम ते पिता परमेश्वर का वचन ते समझाई तो हम बहुत खुश छा। तब तुरंत ऊ निकल के वापस यरूशलेम को गए नी। जब ऊ पहुंचिन तो ऊ चेलू ते बताई येशु जिंद छ, हम लुए ते देख। जब चेला बात करना छा, येशु अचानक से वे कमरा में ऊ का समण प्रकट हुई। वेल बोली तुम ते शांति मिलू। चेलू ने सोची कि ऊ कोई भूत छ, पर येशु बोली तुम किले डरना छा, तुम यू किले नहीं सोच दया कि यू सच में मी येशु ही छो। मेरा हाथ और खुटू ते देखा, भूतों में शरीर नहीं होंदु जन्मी मच। यू देखणु को कि ऊ कोई भूत नहीं छ। वेल खाणु को कुछ मांगी, ऊल वे ते एक माछा को टुकड़ा दीन और वेल वे ते खै दीन। येशु बोली मेरा बारे में पिता परमेश्वर का वचन में जो कुछ भी लिख्यू छ ऊ पूर्व होलो। मिल तुम ते बतायल छो कि यहाँ को होण जरूरी छ। जब येशु ऊ ते पिता परमेश्वर का वचन ते अच्छो से समझाई, वेल बोली बहुत पहली भविष्यवक्ताओं लिख छो कि मी मसीह ते दुख उठाण पड़ोलो, मरुण होलो और फिर तीसरा दिन मुर्दों में बटी जूंद होण पड़ोल। ऊ भविष्यवक्ताओं लो यू भी लिख छो कि मेरा चेला पिता परमेश्वर का वचन को प्रचार करला, ऊ हरेक ते पश्चाताप का नुख बुलला। जो ऊ इन करदा तो पिता परमेश्वर ऊ का पापों ते माफ करोलो। मेरा चेला ये समाचारों को प्रचार यरूशलेम शहर बटी शुरू करला। तब सभी जगह में और सभी जातियों में जाला। तुम लोग मेरे हर बात और हर कामों का गवाह छा जो मिल कहरी और वे कभी जो मी दगड़ी हुए। अगला 40 दिनों का भीतर यीशु अपने चेलों पर कई बार प्रकट हुए। एक बार तो ऊ एक ही भगत में 500 से भी ज्यादा लोगों पर प्रकट हुए। वेल अपने चेलों पर कई बार साबित कहरी कि ऊ जूं छ और वेल ऊ ते पिता परमेश्वर का राज्य का बारे में सीखे। यीशु अपने चेलों बटी बोली पिता परमेश्वर अलमी ते स्वर्ग और धरती का हर एक आदिम पर राज्य करने को अधिकार दियो छ। इले अब मी तुम बटी बोल दो जय के सभी जातियों का लोगों ते चेला बना। इन कनु को तुम ते ऊ ते पिता नौना और पवित्र आत्मा का नौ बटी बपतिस्मा दियोन होलो। जो कुछ भी मिल तुम ते आज्ञा दीन ऊ सभी बातों ते मनन भी तुम ते ऊ ते सिखाणोल। याद रखा मी हमेशा तुम दगड़ छो। येशु का मुर्दों में बेटी जूंद होना का 40 दिनों का बाद वे लपड़े चेलों में बोली जब तक कि मेरे पिता तुम ते सामर्थ नहीं दियो तब तक यरूशलेम में ठहरिया रहा। उ तुम पर पवित्र आत्मा भिजना का द्वारा इन करो लो। जब येशु स्वर्ग में चल गई और एक बादल अलवे ते उनकी नजरों में बेटी छिपे दिन, स्वर्ग में येशु सभी चीजों पर राज्य करने को पिता परमेश्वर की दैन तरपा बैठ गए। मत्ती 28 का 16 से 20, मरकुस 16 का 12 से 20, लूका
24 का 13 से 53, यूहन्ना 20 का 19 से 23, प्रेरितों का काम 1 का 1 से 11 / 1 बाइबल की कथा।